है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे आप सभी लोग, और आज का ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज मैं आया हुआ हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क। और आज पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा क्या है। मेरे भाई ओम प्रकाश साथ में, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलते हैं टिकट घर पर और देखते हैं कैसा क्या सीन है। हमने एंट्री कर ली है और ये हमने टिकट ले लिया है। एक आदमी का 75 रुपीज़ पड़ता है यहाँ पे अंदर आने के लिए। अभी 5:30 हो गए, 1 घंटे का टाइम है हमको अंदर घूमने के लिए। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं आगे कैसा क्या है। अभी तो गेट के अंदर ही आए हैं, अभी तो कुछ देखने को नहीं मिला अंदर। हम अंदर काफ़ी आ चुके हैं और इतना आप देख सकते हो, इतना क्राउड है ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ आपको। इतना क्राउड है ना, इतनी भीड़ है और बहुत बड़ा है ये बोरीवली नेशनल पार्क। आप सर्च कर लेना, सीरियसली आपको पता चलेगा कितना बड़ा जो है ये पार्क है यहाँ का। यहाँ पे एक मिनी रेल का भी बना हुआ है, वो शायद अभी बंद है, चालू नहीं है और फिलहाल बंद हो गई है। गाइस मेरे पीछे यहाँ पे बोटिंग राइड है, वो भी बंद हो चुकी है, उसका टाइम हो चुका है, तो उनका टिकट आपको अंदर से लेना पड़ता है, जो कि वो टिकट अभी बंद हो गया है खिड़की। देखो यहाँ पे बोटिंग राइड है जो कि अभी बंद हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो पहले की एंट्री किया हुआ है, वो भी अंदर ही है। तो गाइज अभी ना हमको एक हिरण का बच्चा मिला है छोटा सा, और बाकी तो अभी तो कुछ मिला नहीं है। टाइगर सफारी थी, वो भी बंद हो गई है, टाइम काफ़ी लेट हो गए, हम 6:30 हो गए इसके लिए। और बोट सवारी बंद हो गई, बाकी काफ़ी सारी जो है बंद हो गई। बाकी पार्क बहुत बड़ा है पर हमको इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिली यहाँ पे। थोड़ा सा आगे आए और हमको बंदर के छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे दिए यार। काफ़ी मज़ा आ रहा है सीरियसली, काफ़ी लोग हैं और मज़ा, एंजॉय मज़ा। बता दूँ यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सुकूनदायक है और मज़ा आ रहा है। कुल मिला के काफ़ी मज़ा आ रहा है, एक बार तो वापस आना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ना देखो, इतना बड़ा गार्डन देख सकते हो, दुकानें पीछे, काफ़ी सारी दुकानें, खाने पीने की हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे है। काफ़ी बड़ा गार्डन है यार, काफ़ी बड़ा, मतलब हर चीज़ की, खाने पीने की, चाय नाश्ता कॉफ़ी, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे भाई मिल चुके हैं और यहाँ सिक्योरिटी है शायद, उनसे हमारी बात हो चुकी है। तो हमने 5 मिनट यहाँ पे खड़े रहकर उनसे बात की थी, उनसे पूछा क्या सिस्टम है, क्या है, क्या यहाँ का जो है सिस्टम वर्क करता है। उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे सुबह जल्दी आना पड़ता है, आप लेट आते हो तो 4:30 या 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, कुछ चलता नहीं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर की गुफा है यहाँ पे, और पूरा जो गार्डन है उन्होंने बताया कि 3000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर में कुछ फैला हुआ है पूरा गार्डन। कि आपको पूरा गार्डन का जो एंजॉय करना है तो आपको सुबह 7 बजे यहाँ पे आना पड़ता है, शाम को वापस 6:30 बजे तक आप एंजॉय कर सकते हो, फुल डे एंजॉय कर सकते हो। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे, हर चीज़, मतलब काफ़ी चीज़ जो है देखने लायक, जो आज हमने एक्सपीरियंस की नहीं है, देखा ही नहीं। ऐसे वापस जा रहे हैं, थोड़ा बहुत देखा था कुछ, बाकी काफ़ी बड़ा यार, काफ़ी बड़ा। तो गाइज़ अभी हम गेट के बाहर आ चुके हैं और ये रहा गेट पीछे और काफ़ी मज़ा आया और शाम के हो गए 7 बज चुके हैं और काफ़ी इन्जॉय किया हमने अंदर और काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है ना, ठीक है, बराबर। इतना इन्जॉय तो नहीं कर पाए यार क्योंकि सब बंद हो गए तो हम खुद ही लेट हो गए इसके लिए पर मज़ा ठीक आया। अच्छा तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय।